अनंत श्री विभूषित जगत अर्चनी वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण सिद्धजन योगीजन जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवन आदरणीय विप्र समाज विद्वत जन दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे रसिक श्रोताजनों लाडली बेटियां पूज्य माताएं और भी ज्ञात अज्ञात मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज आप सबको भगवत भाव से बार बार नमन। आओ भगवान नाम राम जय राम
एक दिन तेरी कुटिया पे श्री राम आएंगे, एक दिन तेरी कुटिया पे श्री राम आएंगे, एक दिन तेरी कुटिया। शबरी के गुरु का वचन आज पूरा हो रहा था। शबरी परी चरण लपटाई, शबरी परी चरण लपटाई। केवट ने जल से पांव धोए और शबरी ने आंसुओं से पांव धोए। हमारे घरों में एक बैठक होती है और एक ऑफिस होती है, जो घर से अलग दुकान होती है तो वहां ऑफिस होती है, और घर पे भी एक बैठक होती है बाहर के आगंतुकों के लिए, और एक अपना अंदर का बेडरूम होता है। केवट के यहां भगवान आए तो जहां उसकी आजीविका चलती है बस वहीं तक रहे, घर तक नहीं गए, घर तक नहीं गए। और शबरी के घर तक गए, और घर में भी एक बैठक होती है कि अंदर बेडरूम होता है। जैसे हम कभी लोगों के यहाँ जाते हैं भोजन करने तो जहां सब लोग बैठते हैं वहां तक ले जाएंगे, ठीक है अच्छा है, लेकिन एक अंदर तक पांव पड़ना। शबरी तो अपने अंदर तक ले गए। केवट ने चरण धोए, दर्शन किए, सौभाग्य उसका। लेकिन केवट बेचारा भगवान को कुछ खिला नहीं पाया और कुछ पिला नहीं पाया, लेकिन शबरी खिलाती भी है और पिलाती भी है। केवट भगवान को पाने के बाद में भी दुनिया के बीच में जीने का इच्छुक रहा और जिया, लेकिन शबरी जैसे आज के ही दिन का इंतजार कर रही हो, जी रही हो केवल। तीन बुड्ढे केवल भगवान के आने तक का इंतजार कर रहे थे। पितामह भीष्म, जटायु और शबरी, इनके जीने का और कोई उद्देश्य ही नहीं था, बस इस इंतजार में प्राणों को रोके हुए थे कि जिसके लिए जीवन मिला है वो आ जाए। अंतर इतना है, दो घायल थे, शबरी घायल नहीं, शबरी प्रेम में डूबी रहती है दिन और रात,
जाने कौन सी शाम, कौन सी सुबह, न जाने कौन सी राह से आ जा, न जाने कौन सी सुबह किस शाम आएंगे, न जाने कौन सी सुबह किस शाम आएंगे, एक दिन तेरी चुभ जाए न पग में कंकड़ पत को है झाड़ती, चुभ जाए न पग में कंकड़ पत को है झाड़ती, आने की आस रघुवर की रस्ता निहारती, आने की आस रघुबर की रस्ता निहारती, ना जाने कौन सी सुबह, ना जाने कौन सी सुबह किस शाम आएंगे, न जाने कौन सी सुबह। बड़े काम की बात, एक मैं आपसे निवेदन करूं, यदि भाव की अवस्था हमारी ठीक नहीं है तो हमें बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा भगवान को ढूंढने के लिए, भटकना पड़ेगा, डोलना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, उसके बाद में भी गारंटी नहीं है मिले मिले न मिले। लेकिन यदि भाव की अवस्था बहुत अच्छी हो जाए तो हमें ढूंढने कहीं नहीं जाना, फिर वो ढूंढता ढूंढता पता पूछता पूछता अयोध्या से चला है।
और ढूंढता ढूंढता पंचवटी और यहाँ उससे जटायु से पूछता पूछता और पता ढूंढता ढूंढता अपने आप सवरी कहीं नहीं गई। भगवान ने भक्त को ढूंढा है, भक्त ने भगवान को नहीं ढूंढा, ये अवस्था की बात है। हृदय की अवस्था, हृदय का भाव, और ये भाव कहां से आता है? ओल्ड में मिलता है? नहीं मिलता। चांदनी चौक, परी चौक, कहीं नहीं मिलेगा। बिनु हरि संतन काहू पाए। यह भाव जो है ना कथा में मिलता है, और वह भी बिना कीमत के मिलता है, बिना प्रयत्न के मिलता है, बिना मेहनत के मिलता है, कथा में। उस दशा का हम हमेशा प्रयत्न करें। नवदा भक्ति का उपदेश दिया प्रभु ने और कहा, नव में है एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिन मोरे, और सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, सोई अति से प्रिय भामिन मोरे। सवरी ने कहा था, भगवान मैं तो नीच जाति की हूं और उसमें भी फिर नारी हूं, मेरी बुद्धि भी ठीक नहीं है, क्या आप मुझे अपनाओगे? तब भगवान ने एक बात कही, मानहु एक भगत करनाता, मेरा जाति से कोई लेना देना नहीं, मेरा गुणों से कोई लेना देना नहीं है। मेरा संसार के लोग कहेंगे वो तो बहुत बड़ा आदमी है, न जाने संसार के लोग क्या देख करके बड़ा कहते हैं। मुझे धन से भी कोई लेना देना नहीं है। तो मानहु एक भगत करनाता, मेरा नाता तो सिर्फ उनसे है जिनके अंदर भाव है, जिनके अंदर प्रेम है, जिनके अंदर दीनता है, जिनके अंदर संत सेवा है। हे सवरी, एक चीज हो किसी के अंदर, उसी से मेरा नाता है, और तेरे अंदर तो सबकी सब है। तू मुझे बहुत प्यारी है, तू तो मेरी है, मेरी, मैं तेरा हूं। प्रथम भगति संतन कर संगा, जय जय राम।
जब अपने अंदर भगवान के मुख से सुनने पर पता चले हमारे अंदर क्या क्या है, लेकिन हम खुद नहीं जानते। और भगवान ने कहा, अरे भामिनी शबरी, हाँ भगवान बोल तुझे मैं कौन सी गति दूं, मैं नहीं जानती भगवान। योगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहे आज सुलभ भई सो, तो कहे आज सुलभ भई सो। अब भगवान ने कहा, सबरी अब एक कृपा तू मेरे ऊपर कर, बोले बताओ, बोले अब तू मुझे सीता का पता बता। देखिए शंकर भगवान अगस्त जी के पास में कैलाश पर्वत से उतर करके पृथ्वी पर कथा सुनने आए। अगस्त जी ने कथा सुना दी, जब शंकर भगवान जाने लगे तो अगस्त जी ने कहा कि मैंने तुम्हें कथा सुनाई, पर अब आप में कुछ भक्ति की बात तो बता जाओ। मैंने कथा सुनाई, अब मैं कुछ भक्ति की बात कहो, भक्ति का उपदेश करो, मुझे भक्ति का मार्ग बताओ। ऐसे यहाँ राम जी ने नवदा भक्ति का उपदेश दिया, फिर राम जी कह रहे हैं, सबरी मैंने तेरे को उपदेश तो कर दिया नवदा भक्ति का, लेकिन अब तू ही मुझे भक्ति का रास्ता बता। जान है कहो, करे वर गामिनी तू जानती है, पर मोए तो बता। अब सबरी के पास हो के न तो सीता जी गई हैं, न सीता जी की मुलाकात भई है, न सबरी के आसपास से कोई मार्ग है। फिर राम जी सबरी को पूछ रहे हैं, जिनका हृदय निर्मल, अंतःकरण निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, वो अस्तित्व के प्रत्येक रहस्य को चित्र की तरह देख लेते हैं। शबरी ने ये नहीं बताया कि लंका में सीता जी हैं, शबरी ने ये नहीं बताया कि लंका में सीता जी हैं। शबरी ने तो आगे की घटना को देखा था, उसमें शबरी को दिखाई दिया कि इनकी मित्रता सुग्रीव से होनी है। तो पंपा सर जाहु रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। ऐसा होगा भविष्य का भविष्यवाणी कर रही है। ठीक है, आगे चले बहुरे रघुराया, ऋष्य मूक पर्वत निया राया। भगवान ने हनुमान जी से मुलाकात करके सुग्रीव से मित्रता करी और बाली का सुपड़ा साफ कर दिया और बंदरों को सुग्रीव ने खोज के लिए चारों तरफ भेजा। उसमें हनुमान जी दक्षिण दिशा में जामवंत अंगद इस टोली में है। खोजते खोजते यह टोली स्वयं प्रभा की गुफा के पास जंगलों में भटकती हुई भूखी प्यासी स्वयं प्रभा का आशीर्वाद पाया। मुदौ नयन पिबर तज जा,
स्वयं प्रभा ने आंखें बंद कराई और कहा कि जाओ। और ये लोग कहां पहुंच गए? समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे पहुंचकर अब हिम्मत नहीं पड़ रही किसी की, कैसे जाएं? संपाति ने पता बता दिया, मैं देखूं तुम नाही गीदही दृष्टि अपार, लेकिन कौन जाए? बात नहीं बन रही। तब जामवंत ने हनुमान जी को कहा, अय हनुमान, राम काज लग तब अवतारा, सुनतई भयउ पर्वता कारा। विशाल रूप धारण किया। आप सभी श्रोताओं को मैं एक बात यहां कह देना चाहता हूं, अंगद से भी, अंगद भी बैठा है वहां, जामवंत भी बैठे हैं और भी बहुत बंदर हैं, लेकिन केवल हनुमान के ऊपर ये बात क्यों आई? हनुमान ही विशाल क्यों हुए? देखो, एक राम काज होता है और एक काम काज होता है। हम संसार में अपने लिए जो कुछ भी कर रहे हैं वो काम काज है, और संतों के लिए, परमात्मा के लिए, भक्ति और भगवान के लिए जो कर रहे हैं वो राम काज है। अब इन दोनों काजों में आगे बढ़ने वाले अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि घर में खाने के लिए न अन्न न हो, लेकिन भगवान के नाम की बात आ जाए तो कर्जा लेकर के भी लगा देते हैं। देखी जाएगी होगी सो, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले जाएंगे, लेकिन ऐसा मौका अच्छे कर्मों में काम करने का फिर नहीं मिलेगा। तो भगवान के नाम की बात आती है तो वो अपना विशाल रूप धारण कर लेते हैं, वे हनुमान है। और अंगद कौन है और जामवंत कौन है? अपनी कोई बात पर है, प्रॉपर्टी बिक रही हो, कहूं कोई बिक रहा हो और कोई काम पड़ रहा हो तो 50 जगह तो इंतजाम कर लेंगे और उस काम को तो कर लेंगे। और भगवान के नाम की बात आएगी तो देखो, अभी देखो आप तो जानते ही, थोड़ी हालत थोड़ा डाउन चल रहा है इस समय, वो काम धंधा थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, और तुम तो जानते ही हो, और देखो वैसे तो मन तो बहुत था है, लेकिन क्या करें, अभी इस समय जेब में नहीं है। एक बार क्या हुआ बताएं, एक व्यक्ति हमारी कथा कराने के मूड में, और अपने घर ले गया हमको, 3 साल पहले की बात है। घर ले गया तो उसने पूछा कि कैसे कैसे क्या क्या खर्चा पड़ता है, तो मैंने कहा लगभग 3-4 लाख के बीच में खर्चा हो जाता है व्यवस्था में। अच्छा महाराज, इतना महंगा? हाँ हाँ, मैंने कि भैया व्यवस्था तो ऐसी होती ही है। तो बोले महाराज अभी तो सामर्थ नहीं है मेरी, लेकिन जरूर कभी देखूंगा। अब हुआ क्या, घर वो भोजन करा के मुझे लौटा करके अपनी जगह छोड़ने जा रहा था वो, तो उस पे फोन आया, फोन आया और उधर से वो व्यक्ति, मैं सुन रहा था बगल में बैठा था, वो ड्राइवर ही कर रहा था, तो फोन आया उधर से व्यक्ति कहता है कि एक प्लॉट है वो बड़ा सस्ता मिल रहा है, यदि उसकी 2 दिन में रजिस्ट्री हो जाए तो 2 महीने बाद ही लगभग 1.5 गुने दाम हो जाएंगे उसके। उसका मोबाइल जरा आवाज ज्यादा कर रहा था, खुद दबा रहा था, लेकिन वो तो आवाज आ ही रही थी मेरी तक। तो बोला कितने का? बोले अभी वो अर्जेंट में उसको जरूरत पड़ गई है, इसलिए वो 60 लाख में मिल रहा है, और तुम 2 महीने बाद ही उसे 1.5 करोड़ का बेच देना।
एक लाख तो मिनिमम है, 1.25 करोड़ का बिक जाएगा, बहुत अच्छी जगह पर है, वो अर्जेंट में उसको पैसा चाहिए। अच्छा बोलो जल्दी। बोले यार इतना सस्ता है तो कर देना, बस कल ही आ रहा हूं मैं इंतजाम करके। मेरे को गुस्सा, 4 लाख में तेरी नानी मर रही है और 60 लाख का तू सौदा कर रहा है। मैंने उसकी सब बात सुन ली। मैंने कहा भाई ये सब क्या हो रहा है, तुम तो अभी 4 लाख में परेशान थे। अरे बोले महाराज ये सब करना पड़ता है, तुम तो जानते हो, वैसी अच्छा मौका आया तो इंतजाम तो कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा। वो मैंने कहा 4 लाख में तू भगवान के नाम पे आंख फाड़ रहा था, कहां 4 लाख और कहां 60 लाख। अभी बड़ी बड़ी कोठी और बिल्डिंग वाले इसको देख करके सोचते होंगे हाय राम इतना खर्चा। वे अंगद है, वे अंगद है जो भगवान के नाम पे सोचते हैं कि ये इतना खर्चा, जबकि उन कोठियां और बंगला और कमाई उनके लिए 1 महीने के साथ 4 लाख आ गया। वे अंगद है, अंगद अपनी बात पर या तो रावण की सभा में पांव गाड़ देता है, बोले हो कोई माइक लाल तो उखाड़ दे रावण, तू भी उखाड़ ले जा, दे मेघनाथ उखाड़ ले, पूरी सभा उखाड़ ले जा, अपनी बात पड़ जाए तो पांव गाड़ देते हैं, लाखों खर्च कर दें, करोड़ों खर्च कर दें, अपनी लड़के की शादी हो लड़की की शादी हो, अरे और सही 4-6 लाख बढ़िया करेंगे। ये अंगद हैं। और जब भगवान के नाम की बात बढ़े तो क्या कहेंगे, कछु संशय फिर दीवारा, कछु संशय चला तो जाता मैं, लेकिन आपको क्या बताऊं, भरोसा नहीं पड़ रहा, थोड़ा था नहीं मालूम पड़ रही, थोड़ा थोड़ा सामर्थ्य में मुझे थोड़ा विश्वास कम है, है? ये धर्म का काम कर तो देते पर उसमें 50 पर लगा देंगे, वे अंगद हैं। और जामवंत कौन है, धन भी खूब है, खूब परिचय है, चारों तरफ प्रतिष्ठा फैली है, सब काम है और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कछु नहीं तो क्या कहें, महाराज मैं अकेला हूं, मैं करूं क्या, मैं अकेला हूं, थोड़ा बूढ़ा पड़ गया हूं, थोड़ा उम्र थोड़ी ऐसी हो गई है। अरे पागल, उस समय तो पैसे से भी काम नहीं होता, आज यदि तूने जिंदगी भर कमाया है वो तो तेरे पास है, अरे तू तो बैठा रहे, दामोदर बैठे रहे, दाम करें सब काम, आज ऐसा काम कौन सा जो आदमी करता हो, हैं? आज तो सारी चीज ऑनलाइन हो गई है, घर बैठे बैठे कुछ भी मंगाओ, कुछ भी करो, बस एक आदमी पकड़ लो कि ये सब काम करने, अरे सर ठेका लेने वाले हैं, लेकिन उसको उसको नजरअंदाज करके, महाराज क्या करें बूढ़े हो गए हम, पैसा की तो कोई कमी नहीं भगवान दे, पर कौन जुटाएगा, कौन करेगा, ये सब ये मन के बहाने हैं, ये जामवंत हैं। जामवंत क्या कहता, अरे चला तो मैं जाता, ये पृथ्वी ये समुद्र क्या है, मैंने अपनी जवानी में पृथ्वी की 2.5 घड़ी में 7 परिक्रमा लगाई पूरी धरती की, अब वो उम्र थी, अब क्या करें बूढ़े हो गए। और यही जामवंत जब अपनी इज्जत पे बात आई ना तो रावण से क्या कहता है, बोले जरा एक एक मुक्का तो हो जाए, भले ही मैं बूढ़ा हूं पर जरा मैं भी अजमाना चाहता हूं। एक मुक्का में रावण को बेहोश कर दिया था, रावण को तो मौका ही नहीं लगाता कि इसमें मुक्का मार जाए। और त्रेता युग में जब हाथों की खुजली नहीं मिटी तो द्वापर में आकर के जामवंती के विवाह से पहले भगवान श्री कृष्ण को 27 दिन इस जामवंत से युद्ध करना पड़ा, द्वापर में आकर के, इतना बल, लेकिन भगवान के काम के लिए है, भगवान के काम के लिए नहीं, अपनी बात पड़े तो। क्या हम सब लोग अपने काम करोड़ों के और लाखों के नहीं कर रहे, कर रहे हैं, लेकिन भगवान के नाम की बात आ जाए कर लेते, लेकिन क्या करें, ये मजबूरी वो मजबूरी वो मजबूरी, लेकिन कहीं सस्ता सा सौदा पड़ता दिखाई दे तो सारी मजबूरियां खत्म, लाख जगह से हम अपना इंतजाम कर लेते हैं। जामवंत तो अंगद, लेकिन हनुमान वे हैं
छोटे से छोटे बन के रहते हैं, मशक समान रूप कपे धरी। आंटी में एक रुपया नहीं है, जिनका कोई मकान नहीं है, जमीन नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई सहयोगी नहीं है, लेकिन राम के काम की बात आ जाए तो सुन तई भय पर्वताकारा सुन तई भय सुनतई भय चिंतन है, न कोई सोचना है, न कोई विचारना है, सिर्फ लक्ष्य देख रहे हैं, कहां है लंका, कहां मुझे जाना है, कहां मुझे पहुंचना है। और जिनका लक्ष्य पर अपनी निगाह टिक जाए, लक्ष्य पर अपना अपना ध्यान केंद्रित हो जाए, उन्हें फिर दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। यहां एक बात और मन हो रहा है कहने का, बुरा न लगे तो बोलो, नहीं कहूं कह दूं। जब भगवान अयोध्या लौट करके पहुंचे थे, सबको ले गए थे, अंगद को भी ले गए थे, हनुमान जी को भी ले गए थे, जामवंत को भी ले गए थे, इन सबको लेकर के गए। लेकिन जब वहां से विदाई करने लगे राम जी, अंगद को किया, जामवंत को किया, सबको विदा करने लगे, फिर अंगद के मन में एक बात आई कि सबसे राम जी कह रहे हैं जाने की, हनुमान से क्यों नहीं कह रहे? सबसे राम जी कह रहे हैं जाने की, हनुमान से क्यों नहीं कह रहे? तो हम लोग राम का काम करने में हनुमान की होड़ नहीं करते, लेकिन जब प्यार का बंटवारा होता है तो अब हनुमान की होड़ करना चाहते हैं कि भगवान भेदभाव कर रहे हैं। बताओ कि बताओ, अंगद कह रहा है कि बताओ सबको आप भेज रहे हैं, हमको भी भेज रहे हैं, लेकिन हनुमान से क्यों नहीं कह रहे? उस समय जब 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 बात चली थी समुद्र के किनारे, जब तुम राम के काज के लिए नहीं जा सके, उस समय हनुमान ही तो गया था, उस समय तुमने नहीं सोचा था। हम सेवा में कितना उतर जाते हैं उसकी होड़ नहीं करते, लेकिन जब प्यार परमात्मा का मिलने की बात होती है तो हम होड़ करते हैं। परमात्मा उससे ज्यादा प्यार करता है, कोई सदगुरु उससे ज्यादा प्यार करता है, हमसे कम करता है। प्यार दिया नहीं जाता, प्यार तो लिया जाता है, चाहे परमात्मा का हो, चाहे किसी महात्मा का हो, चाहे मां बाप हो, चाहे गुरु का हो। प्यार को सेवा से खींचा जाता है, सेवा भाव प्यार करने पर मजबूर कर देती है सेवा। तो हनुमान जैसे लोग अच्छे काम के लिए अपना सीना चौड़ा देते हैं, और अच्छे काम की बात है तो अंगद सिकुड़ जाता है। हनुमान जी ने छलांग लगाई, मैना को स्पर्श करते हुए, सुरसा को सबक सिखाते हुए, सिंह का को मारते हुए, और लंका के दरवाजे पर
टक्कर मारी। वहां पर एक लंकिनी रहती है राक्षसी, और इतनी निगाह तेज है कि हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप बनाया मच्छर के समान, और चुपचाप निकल के जा रहे थे। मसक समान रूप कपिधारी, और चुपचाप जा रहे थे। इतने में तो लंकिनी ने पकड़ लिया, बोले आए आए चोर। हनुमान जी ने कहा हमसे कह रही हो चोर हमसे? बोले हाँ तुमसे हम चोर कह रहे। हनुमान जी बोले हमने तो आज तक किसी का एक रुपया नहीं चुराया, किसी की एक कोई चीज नहीं चुराई जिंदगी में, चुराने का भाव तक नहीं आया, और हमको चोर? और सच पूछिए तो हमको तो कहीं से सूचना मिली है कि चोरी का माल लंका में रखा हुआ है। हम तो सीबीआई है, सीबीआई हम तो जांच करने आए, और ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हनुमान जी ने देखा कि इसको उल्टा दिखाई दे रहा है, लगता है इसकी दृष्टि में कोई गड़बड़ी हो गई है। जो चोर है वो साहूकार दिख रहा है, और जो भगवान का भक्त है वो चोर दिख रहा है। भगवान ने सोचा कि अब अर्जेंट में क्या करें, अब कोई चूरन चटनी देंगे दवा देंगे तो जाने कब दृष्टि ठीक होगी। तो अर्जेंट में फिर भगवान हनुमान जी को ऑपरेशन ही करना पड़ा। मुठ का एक महाकपिहान, और ऑपरेशन मुश्किल से 20 सेकंड का, 20 सेकंड। और ऐसा ऑपरेशन हुआ कि 20 सेकंड बाद तुरंत देखने लगी गौर गौर से, और कहती है सॉरी, क्षमा करना हे रामदूत, हे भगवान के पार्षद, हे परमात्मा के दूत, सॉरी क्षमा करना। हनुमान जी ने कहा यार ऑपरेशन बड़ा अच्छा सफल हुआ, 20 सेकंड में चोर कहने वाली अब मुझे रामदूत, परमात्मा का दूत, भगवान का पार्षद कह रही है। भगवान ने हनुमान जी ने भगवान को धन्यवाद बोला कि आपने मेरा ये ट्रीटमेंट इतना जल्दी सफल कर दिया, मुझे भरोसा न था कि लंका में मैं इतना सफल हो जाऊंगा, कल्पना नहीं की थी। हनुमान जी ने कहा कि तुम ऊपर ऊपर से कह रही हो कि सही में अंदर से कह रही हो? बोले हृदय से कह रही हूं मैं। अच्छा, बोले तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं रामदूत हूं? तब लंकिनी स्वयं इस बात को स्वीकार करती है। तूले न ताहि सकल मिले जो सुख लव सत संग। बोले आपका जो संग मिल गया, आपका जो सत्संग मिला है, उससे मेरी दृष्टि बदल गई। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता, देखे नयन राम कर दूता। बोले मेरे बड़े भाग्य, मेरे बड़े पुण्य है, मेरा बड़ा नसीब है कि मैं आपका दर्शन कर रही हूं, और अपनी आंखों से अपने सामने। हनुमान जी ने कहा चलो ठीक है, जो कुछ भी हुआ सो अब मुझे आगे का रास्ता बताओ। कौन रास्ता बता रहा है? जो रास्ता रोक रहा था, जो रास्ता रोक रहा था। और केवल रास्ता ही नहीं बता रहा,
ऊर्जा भी दे रहा है, एनर्जी भी दे रहा है, यानी आशीर्वाद। लंकिनी प्रवेश नगर की जय शब आजा। रास्ता भी बताया। आखिरकार खोजते खोजते विभीषण से मुलाकात करके और अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुंचे, मुद्रिका डाली है, सीता जी से मुलाकात हुई और कहा अब मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। बोले तुम वहां से जब आए समुद्र पार से लंका में भी यहां तक आ गए हो तो कोई रेस्टोरेंट, कोई ढाबा, कोई होटल कहीं कोई नहीं मिला, भूखे चले आए क्या? हनुमान जी ने कहा मिले तो बहुत थे पर उल्टा सिस्टम था उनका। बोले क्या सिस्टम था? बोले वो सब खाने वाले थे, खिलाने वाला तो कोई था ही नहीं। सिंह का सुरसा कैरी दिखा जाऊंगी, सिंह का कैरी खा जाऊंगी, लंकिनी कैरी खा जाऊंगी, जो था सब खाने की बात कर। अच्छा हनुमान, खाने को यहाँ सामान तो बहुत है बेटा, लेकिन यहाँ बड़ा खतरा है। क्या खतरा है? राक्षस बहुत हैं और बहुत खतरनाक हैं। बोले तिनकर भय माता मोहे नाही, जो तुम सुख मानहु मन माहि। अच्छा उनका डर नहीं है? बोले नहीं। बोले तुम जैसों का तो नाश्ता करते हैं हनुमान ये राक्षस लोग। अच्छा तुम मुझे जैसा देख रही हो मैं वैसा नहीं हूं मां। बोले तुम कैसे हो? तो हनुमान जी ने विशाल रूप दिखाया और फिर आज्ञा दे दी कि ठीक है अब आप खाओ। और फिर हनुमान जी ने अशोक वाटिका उजाड़ी है। राक्षसों से हनुमान जी ने कीर्तन कराया है, वहां मार मार के बैठा दिया डर के मारे। फिर राक्षसों से कहा कि कुछ नहीं करते हो तो कीर्तन करो, मुझे प्रसन्न करना है। तो ठीक है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम।
कीर्तन बोला था वो बोलो, परसों बोला था, अब इनको खुद ही याद नहीं होगा बोलेंगे तो। हरे 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 कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे। अक्षय कुमार आया, रावण का छोटा पुत्र, हनुमान जी ने उसका छह कर दिया। फिर मेघनाथ आया, जानबूझ के हनुमान जी बंद करके उसके साथ चले गए और रावण के सामने पेश हुए। रावण ने कहा कि भाई तू कौन है? हनुमान जी ने कहा कि जिसके बल से तू जी रहा है मैं उसका दूत हूं। बातचीतें होने लगी, तब रावण ने एक बात कही, ए हनुमान, बहुत देर तेरे को बकबक करते करते हो गई, मुझे लगता है कि तेरी मृत्यु निकट आ गई। तेरे मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी मृत्यु तेरे निकट खड़ी है। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल सही समझा रावण, आपने बिल्कुल ठीक समझा, मृत्यु आ गई है, मेरे पास में खड़ी है। बोले फिर भी तेरे को डर नहीं है? बोले मेरे को डर क्यों, आई तो मेरे पास में, पर देख तो तेरी तरफ रही है, है तो मेरे पास पर उसकी दृष्टि तेरे ऊपर है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। रावण ने कहा ये तो बहुत बात बनाता है, एक काम करो इसकी पूछ में आग लगा दो। पहले तो मारने का दंड दे रहा था, लेकिन विभीषण जी ने आकर के कहा कि भाई दूत को मारना ठीक नहीं है, तो बोले इसकी पूछ में आग लगाओ। हनुमान जी ने कहा भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू प्रभु, आपने तो सब काम ठीक ठाक कर दिया, अब औरों की तो समझ में नहीं आ रहा काय की थैंक यू काय की धन्यवाद। बात ये थी कि जब हनुमान जी वहां से चले थे लंका के लिए, तो सिर्फ इतनी बात कही गई थी कि सीता की सुध लानी है, सीता का समाचार लेके आना, बाकी और कुछ नहीं करना। लेकिन जब वहां से चले आए तो पता नहीं भगवान को क्या मन में सूझी, तो भगवान ने पीछे से एक मैसेज भेजा व्हाट्सएप पर। अब वो मैसेज को हनुमान जी देख करके चकित रह गए कि अब इन्होंने पीछे से मैसेज भेजा है, अब मैं इसका क्या करूं। आप लोग कह रहे होंगे व्हाट्सएप कहां से आया, उस समय जैसा व्हाट्सएप तो आज भी है ही नहीं। कि सीता की सुध लानी है, सीता का समाचार लेके आना, बाकी और कुछ नहीं करना। लेकिन जब वहां से चले आए तो पता नहीं भगवान को क्या मन में सूझी, तो भगवान ने पीछे से एक मैसेज भेजा व्हाट्सएप पर। अब वो मैसेज को हनुमान जी देख करके चकित रह गए कि अब इन्होंने पीछे से मैसेज भेजा है, अब मैं इसका क्या करूं। आप लोग कह रहे होंगे व्हाट्सएप कहां से आया, उस समय जैसा व्हाट्सएप तो आज भी है ही नहीं। बताऊं कि रहने दो, तो रहने दो, फिर जोर से बोलो। हाँ, याद जब तुमने किया, याद जब तुमने किया तो हिचकियां अच्छी लगी। याद जब तुमने किया, हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं यहाँ, कोई जब किसी को हिचकी आ रही हो तो वो कहती हैं कि तू कोई याद कर रहा बेटा, तो कोई
याद कर रहा है। तो याद जब तुमने किया तो हिचकियां अच्छी बोलो बोलो लगी और आंसुओं से जो लिखी। किसी के पास एक चिट्ठी आई थी, उस पर लिखा कुछ नहीं था, आंसू टपके हुए थे। क्या इन आंसुओं को देख करके अब भी कुछ लिखना बाकी है क्या? बोलो बोलो। याद जब तुमने किया तो हिचकियां अच्छी लगी और याद जब तुमने किया तो आंसुओं से जो लिखी वो चिट्ठियां अच्छी लगी। स्याही के बोला जो आंसुओं से लिखी गई, लिखा कुछ न था लेकिन अब जरा तालियों के लिए तैयार हो जाइए। आपके दिल के अंदर तक बात पहुंचाने वाला हूं। याद जब तुमने किया तो हिचकियां अच्छी लगी, आंसुओं से जो लिखी वो चिट्ठियां अच्छी लगी। जब से मैं गिनने लगा इन पर तेरे आने के दिन, जब से मैं गिनने लगा इन पर तेरे आने के दिन, बस तभी से मुझको अपनी उंगलियां अच्छी लगी। सब पहले बहुत अच्छा चलता था, लंका में एक त्रियटा नाम की राक्षसी रहती थी। तुम्हारे क्या हो गया माइक को, कितना सादा हो गया। त्रियटा नाम की राक्षसी रहती थी, और वो सीता जी को अपना सपना सुना रही है। किस समय? जिस समय हनुमान जी पेड़ पर बैठे हैं। वो क्या कह रही है? सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। और जब हनुमान जी ने सुना कि बंदर ने लंका जलाई, अब हनुमान जी बोले बंदर तो हम ही हैं और लंका में अकेले हम ही आए हैं, पर लंका जलाने की तो कहीं कोई अपनी न प्लानिंग है, न कोई योजना है, न कुछ पता है। और ऐसे पता होती तो वहां से कुछ माचिस माचिस लेके चलते, अपन को तो कोई बातें नहीं। और ये कह रही है कि सपने बानर बोलो बोलो लंका जा रही। अब हनुमान जी बड़े चक्कर में पड़ गए। उसी समय से हनुमान जी को चिंता हो गई कि भगवान ने मैसेज भेजा लंका तो जलानी है, पर कहां से मिट्टी को तेल लाए, कहां से डीजल लाए, या कहां से माचिस की तीली लाए, कैसे आग लगाए। और जैसे ही रावण ने कहा कि तेल कपड़ा बांधो उसकी पूंछ में और फिर तेल छिड़को और फिर आग लगा दो, हनुमान जी समझ गए कि अपन यहां तो हरा काम है, अब अपन को तो कुछ करना ही नहीं है। अपने रावण को रावण की माचिस, रावण के कपड़ा, रावण की लंका, रावण की मूछ, अपने आप। इसलिए अपन को तो कुछ करना है ही नहीं। अब यहाँ तो भगवान ही कर रहा सब कुछ। एक बात याद आई, इस पर दो तीन चोर थे और वो चोरी करने के लिए जा रहे थे। अब वो आपस में बोले कि भाई अपन दो तीन जने कम पड़ रहे हैं, कोई एक आध संग में और हो तो ठीक रहे। वो जा रहे थे खेतों में होकर के, तो एक बेचारा कोई भगत आदमी था, झोंपड़ी डाल करके खेत की रखवाली कर रहा था फसल की। उसके पास पहुंच बोले हाँ भैया क्या बात है? राम राम। राम 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 कुछ नहीं, अपन चोरी करने जा रहे हैं, हम कम पड़ रहे हैं, तुम हमारे साथ चलोगे? बोले भैया मैंने तो कभी चोरी वोरी करी नहीं है। बोले नहीं, संग चलना पड़ेगा हमारे, चलो।
और उसने सोचा कि अगर मैं मना करें तो ये मारेंगे, इससे बढ़िया तो चलो। अब वो संग चल पड़ा। अब कहीं जाकर के वो किसी गांव में चोरी करने लगे तो सामान ढूंढने लगे अपना अपना, तो ये तो भगत आदमी बेचारा कोई चोरी करना आया ही नहीं इसे। इसने देखा क्या कि ढोलक टंगी थी ढोलक, इसने कहा अपना कीर्तन भजन करने के लिए ये सामान बढ़िया है, चोरी तो करने आए ही है, नाम तो हो ही गया, अब आए तो कुछ न कुछ अब ले ही चले। अब वो ढोलक उसने देख ली और उसने कुछ नहीं सोचा बेचारा, उसने ली अपनी गर्दन में टांग ली। अब जैसे उनका जो चोर थे उनका सब काम पूरा हुआ, उन्हें सामान पावन बांध करके पैसे वैसे लेकर के जैसे वो भागने लगे, गांव की बात है चारों तरफ खेत थे गांव के, तो जब वो भागने लगे तो जो गांव में जो किवाड़ रहती है उसमें सांकर लटकी रहती है, सांकर कुंदी जो होती है ऐसे ऐसे वाली नहीं होती, जंजीर होती है। तो जैसे भागने लगे तो जो सांकर थी ना अब वो ढोलक में लग गई और ढोलक बज गई। अब रात में सब सो रहे थे, जैसे ढोलक बजी रात में ढोलक बज गई तो फिर कुछ की नींद नहीं खुलेगी, एकदम आदमियों की नींद खुल गई। अब नींद खुल गई तो वो भागते हुए दिखाई दिया, तो उसने एकदम शोर कर दिया कि चोर चोर चोर। तो वो लोग क्या है भागते भागते खेत में पड़ गए, वो किसके खेत में जो कपास होती है ना, कपास उसका गूढ़ा होता है अमरूद जैसा पेड़ पे लगता है उसमें कपास होती है रुई है ना, तो वो गूलर के खेत में भागने लगे। अब गूलर के खेत में भागा तो जो गूलर थे ना वो ढोलक में लगे, इधर से इधर से इधर से, अब ढोलक बजा उन चोरों ने उसे डांटा कि भाई ये ढोलक को मत बजा, बोला कि मैं ना बजा रहा भगवान बजा रहा है। इसलिए हनुमान जी ने कहा भगवान आपको बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने से मांगा और आपने इंतजाम कर दिया, इससे अच्छी और क्या बात है। तो जैसे पूछ में जो तेल और कपड़ा बांधने लगे और आग लगाने की कोशिश कर तो पूछ बढ़ती चली गई, पूछ इतनी बड़ी कि जो दरबार था सब बाहर निकल गई। अब वो लगे दे कपड़ा दे तेल, दे कपड़ा दे तेल, सब अपने अपने घरों में से लाने लगे और वो तो पूछ इतनी आ गई रोड पर आ गई और फरीदाबाद से सीधी चलती चलती से ओल्ड पे पहुंच गई। ओल्ड पे ओल्ड पे देखा कि वहां तो यू टर्न है तो वहां से फिर यू टर्न ले लिया है? और लगे हैं लोग कपड़ा और तेल कपड़ा तेल। कुछ लोग तो आकर के बोले मंत्री जी, बोले हाँ अपने यहाँ तो कपड़ा खत्म हो गया। अच्छा एक और दूसरा बोला अपने यहाँ तो तेल खत्म हो गया मंत्री जी। मंत्री ने कहा कि नए है नए, बोले हाँ नए तो है फिर कल पहनेंगे क्या? अरे बोले बाद की बात है, पहले जा हनुमान ने तो देखो कल का विचार मत करो, पहले आज का विचार करो। तो कुछ लोगों के तो पुराने पुराने कपड़े गए तो कुछ लोगों के नए पुराने सब खत्म हो गए। जैसे ही पूछ में आग लगाई और हनुमान जी ने तुरंत पूछ सकोड़ी और छलांग लगा दी और मंदिर मंदिर प्रतिकर सौदा देखे जहते हैं अगणित, पहले खोज भी निकल ली कि कहाँ लगानी और कहाँ छोड़ना है, पहले सब जानकारी कर लिया हनुमान जी ने। एक विभीषण कर ग्रह नहीं और जारा नगर निमिष एक मान। आग लगा करके भैया
पूंछ बजा करके सीता जी से मिल करके पहुंचे राम जी के पास। समुद्र पर पुल बना करके राम जी ने आक्रमण किया और रावण का सबसे पहले कुंभकर्ण मरा, फिर मेघनाथ मरा, फिर बेचारे रावण का भी सुपड़ा सुपड़ा साफ। यहां तक राम कथा हुई। रामायण जिनके घर में होती है वो सौभाग्यशाली होते हैं, रामायण का पाठ करते हैं वो परम सौभाग्यशाली होते हैं, भागवत का पाठ करना तो थोड़ा कठिन है, संस्कृत चाहिए, लेकिन रामायण का पाठ तो सभी कर सकते हैं। जिनके घरों में नकारात्मकता रहती है, नेगेटिविटी रहती है, वह यदि गाय के घी का दीपक जलाकर और तुलसी का पौधा पास में रखकर यदि रामचरितमानस का पाठ करें तो घर में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता आती है। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। भैया यह आपने नौवीं स्कंद में सूर्यवंश की कथाएं सुनी, चंद्रवंश में अनेकों राजा महाराजा ययाति जैसे, अम्बरीश जैसे बहुत अच्छे अच्छे राजा हुए, क्योंकि मुझे कन्हैया का जन्म करना है। सारी दुनिया ने कल मना लिया, हम आज मनाएंगे, एक ही दिन मना लेते तो ज्यादा, रोज रोज मनाए तो ज्यादा अच्छा है। तो इस वंश में मैं जेल के पास पहुंचता हूं, वसुदेव जो थे उनके साथ कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह किया और वह स्वयं, तुम्हारे इसमें क्या, वो स्वयं रथ चला करके और अपनी बहन को विदा करने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई कि अश्यास्त्वा अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा, इसका आत्मा गर्भ तेरा काल होगा। और यह आकाशवाणी सुनकर कंस देवकी को पकड़ लेता है मारने के लिए। वसुदेव ने सांत्वना दी कि इसके बच्चे से ही तो तुमको परेशानी है, हम सारे बच्चे आपको दे दें, फिर क्या दिक्कत है आपको। कंस राजी हो गया और इन दोनों को जेल में डाल दिया। छह बच्चे हुए उनको मार दिया, साथ में बलदाऊ भैया योग माया से रोहिणी के गर्भ में चले गए और आठवें नंबर पर भगवान श्री कृष्ण गर्भ में आए। सब देवताओं ने आके स्तुति करी और जैसे राम का अवतार हुआ था वैसे इनका भी अवतार हुआ, लेकिन बिल्कुल विपरीत। उनका हुआ नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौ की संख्या ऐसी है जो किसी से कटती नहीं है, वे अकाट्य तिथि में हुए और ये ऐसी तिथि में हुए कि वो दो से भी कट जाती है, चार से भी कट जाती है, अष्टमी। वे ठीक दिन के 12 बजे भाई और जे ठीक रात के 12 बजे, दोनों बिल्कुल उल्टे हैं। राम जी को तो नाचना भी नहीं आता और ये जन्मजात नचकैया है।
राम जी ने कभी चोरी जानी नहीं कैसी होती है, और ये तो होते ही चोरी करना शुरू। राम जी ने कभी न गाया न बजाया, और ये शुरू से मुरली बजाना शुरू कर देते हैं। ये इनको समन्वय करें तो बिल्कुल विपरीत हैं दोनों, लेकिन हमारे देश में माता में ने फिर भी एक ही गीत गाएंगे, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का चाहे राम कहो चाहे मतलब दी गई है कहो चाहे मतलब देखा जाए तो दोनों एक से लगते हैं, दोनों बिल्कुल विपरीत हैं, हाँ? लेकिन दोनों का उद्देश्य एक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, दोनों का उद्देश्य एक ही है। राम जी का जब जब हो धर्म की हानि, इसलिए मेरे देश की माताएं गाती हैं कि दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों का मतलब एक है, टारगेट एक है, लक्ष्य एक है, उद्देश्य एक है, लेकिन तरीके अलग अलग है। एक तीर से मारता, एक बंसी से मार देता है, हाँ? एक तीर से मारता है, एक बंसी से ही मार देता है। जहां काम चलता न था तीर और कमानों से, वही विजय नटवर की होती है, वही मुरली की तानों से, हाँ? तरीका अलग अलग। भादों की अष्टमी आदि रात भगवान चतुर्भुज रूप में जेल में प्रकट हुए। देवकी ने कहा कि आप कौन? बोले हम ही तो आपकी आठवीं संतान है। अरे बोले ऐसी संतान? बोले नहीं, जैसे हम दिख रहे हैं वैसे है नहीं, हम हैं तो और तरह के, लेकिन अभी कुछ हमें आपसे कहना है, इसीलिए ऐसे बन गए हैं। तो बोलो, बोले अभी हम आपके बच्चे बन जाएंगे तो आप हमको गोकुल पहुंचा देना। अब जन्म करूं कि पहले विश्राम करूं? जन्म कर देता है। बोले तुम हमको गोकुल पहुंचा देना। बोले ठीक है। भगवान ने बालक का रूप धारण किया और वसुदेव जी ने उन्हें गोकुल पहुंचाया। वहां से योग माया को लेके जेल में आ गए। उधर भगवान के पहुंचने पर भी कोई जगह ही नहीं रह सकते। अब भगवान को बड़ा बुरा लगा कि हमारे आने पर भी लोग सोते रह गए, अपना तो जीवन ही बेकार है। फिर भगवान ने रोना प्रारंभ किया तो नंद बाबा की बहन जो सुनंदा दी ने वो दौड़ी दौड़ी आई, आवाज सुन के कि भगवान ने कछु प्रसाद दया और मेरी भाभी के कछु है गो। दौड़ी दौड़ी आई और आकर के वस्त्र को जैसे हटाया और देखा कि लाला और खुशी के मारे उछल पड़ी है गो, और चिल्लाने लगी,
चारों तरफ शोरगुल होने लगा है वो है वो, और जैसे पता चला पूरे गोकुल की जो नारियां दी और बधाई गाने के लिए ऐसे आई जैसे आज पांडाल में फरीदाबाद की महिलाएं आई है ना, माता आई है वैसे ही। अब आप 5-7 मिनट नंद महोत्सव मनाएंगे, बोलो नंद के लाली, खड़े हो जाएंगे सभी। आए रहे हैं कुर्ता टोपी लाए रहे हैं ब्रजवासी सब, आए रहे हैं कुर्ता टोपी लाए रहे सब, साथ मंगल जान लाल के दर्शन करे आवे, किजुर मिल किजुर मिल किजुर मिल चलो दंत के द्वार लाल के दर्शन कर आवे, दर्शन कर आवे लाल के दर्शन कर आवे, किजुर मिल चलो दंत के द्वार लाल के दर्शन कर आवे। हरिओम और क्या बहुत है हैं, एक और गाओ। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है मिश्री वाले का, ये एक मंगाया है इसको चखेगा से हम तू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू।
कृष्ण भगवान की जय। अब पांच